असलकुम दोस्तों स्टार वुड्स फार्म में आपका स्वागत है माशाल्लाह क्वालिटी आप देखें आ, आपके सामने है रामपुरी मेंढे जो लोगों की काफ़ी डिमांड में होते हैं काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि रामपुरी क्यों नहीं लाते लोग सिर्फ विलायती ही लाते हैं एक्चुअली उसका रीज़न है विलायतियों का वेट गें जो होता है वो रामपुरी पूरी मेंढों से आ, अच्छा होता है और लोग जो कुर्बानी के लिए लोगों लोगों का पालना है तो वो वेट के ऊपर ज़्यादा उनका कॉन्सनट्रेट होता है कि उनके मेंढे का या बकरे का वेट काफ़ी बढ़े तो इसीलिए लोगों को विलायती कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ लोगों को रामपुरी मेंढे पसंद है रामपुरी की अलग खासियत होती है वो लड़ाई में या लड़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं और फिट मेंढे होते हैं एकदम आप देखेंगे और कलर कॉम्बिनेशन भी इनका काफ़ी अच्छा आता है लोगों की पसंद है रामपुरी मेंढे और इस बार हम लोग रामपुरी मेंढे का एक सेट लाए हैं जिसमें चार मेंढे हैं आप देखेंगे माशाल्लाह सभी ने दो दो दांत लगभग कर दिए हैं सिर्फ़ एक पीछे की तरफ जो मेंढा है छोटा वाला गेट के पास उसने वो अदंत है बाकी लगभग सभी मेंढे तीनों मेंढे चार दांत है यानी सॉरी माफ़ करना दो दांत है तो दो दांत के तीन मेंढे हैं और एक मेंढा अदंत है तो ये मेंढा पहले देखें आप माशाल्लाह आप क्वालिटी देखें आपको ख़ुद समझ में आएगा इन रेगुलर ये मेंढे की कीमत लगभग बीस बाईस हज़ार रुपये के रेंज में ये नाती मेंढे आराम से आपको इजीली मिल जाते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज की इस वीडियो में इस मेंढे की कीमत आपसे अठारह हज़ार रुपया फ़ाइनल ये सिर्फ दो से तीन दिन की ही स्कीम है अगर ये रेट में आपको समझ में आता है ये मेंढा तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अठारह हज़ार रुपये में आएगा मीडा बहुत खूबसूरत है बहुत एग्रेसिव है और काफ़ी शानदार है इस साल अगर कुर्बानी में आप लोगों को चाहिए तो एक रीज़नेबल रेट में आपकी कुर्बानी हो जाएगी आ, एक महीना लगभग एक सवा महीना बाकी है अगर आप लोग मेरे पास पलाई पे भी रख लग, रखते हैं तो वो ढाई एक हज़ार रुपये आपको खाली पे करना पड़ेगा और लगभग अठारह हज़ार रुपये में ये आपको मीडा आसानी से मेरे पास मिल जाएगा खूबसूरत मेंढ़ा दो दांत पे और खेलने वाला मेंढा बहुत ज़्यादा है बड़ी साइज़ नहीं है कॉम्पैक्ट में है लेकिन अच्छा है वजन एक्चुअली हम लोग ने करे नहीं इन इन सभी मेंढों का लेकिन सिंग वाले मेंढे है तो काफ़ी बच्चों का फ़ोन भी आता है कि अंकल सिंग वाले मेंढे आप अरेंज कराओ आप लोग लाते क्यों नहीं हैं तो ये हमारे पास फार्म के सेट मेंढे है पलाई पे थे हमारे पास अभी फोर सेल है हमारे मेंढे है ये तो ये पहला मेंढा हो गया उसके बाद ये ब्लैक एंड वाइट कलर का मेंढ़ा ये भी देखिए आप माशाल्लाह ये इससे का थोड़ा बड़ा है ये उन्नीस हज़ार रुपये में आएगा ब्लैक एंड वाइट वाला मेंढा और इसकी भी एक महीने के आपको कुर्बानी तक का ढाई हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको खाली पे करना है तो एक उन्नीस हज़ार का हो गया एक अठारह हज़ार रुपये का ये दोनों मेंढे हो गए आप देख लें दोनों दो दो दाँत पे मेंढे हैं और अच्छे मेंढे हैं माशाल्लाह ये ब्लैक एंड वाइट वाला का कलर कॉम्बिनेशन आप देखें माशाल्लाह काफ़ी ख़ूबसूरत और अट्रैक्टिव है नेक्स्ट ईयर भी अगर किसी को पालना है अगर वो रखना चाहता है नेक्स्ट ईयर के लिए तो ब्लैक एंड वाइट वाला काफ़ी ख़ूबसूरत और कलर कॉम्बिनेशन का मीडा है सिंग वाला है तो माशाल्लाह आपको कुर्बानी के अलावा भी अगर कोई पालना है अपने इधर आप लोग ले जा कर पाल सकते हैं ये अभी भी आउट ऑफ बॉम्बे के लोग भी है काफ़ी लोग हम लोग अलहमदिल्ला रेगुलर बाहर भी बकरे भेज रहे हैं बाई ट्रेन से तो अगर वैसा कोई लेना चाहता है तो उनके लिए भी अच्छा है हम लोग बाई ट्रेन यहाँ से हैदराबाद है बेंगलोर है या एक्स वाई जेड पूरे इंडिया में जहाँ ट्रेन की फैसिलिटी है जहाँ तक का ट्रेन जा सकती है तो इन हम लोग वहाँ तक का पहुँचा के देंगे इसमें दो मेंढे आप देखेंगे जो एक ब्लैक मू वाला है और एक जो छोटा वाला है आप वो देखेंगे छोटा जो ब्राउन फेस वाला ये आगे की तरफ ब्लैक एंड वाइट के साथ वाला मेडा ये दोनों आपको सोलह सोलह हज़ार रुपये में आपको मेंढे आ जाएंगे ये ब्लैक एंड वाइट और वो ब्राउन चेहरे वाला एक्चुअली मेंडो uh, में मेरी थोड़ी सी नॉलेज कम है क्योंकि मैं शुरू से कारोबार जो हमारा हुआ है वो बकरों में हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि बकरों में हम लोग एक अच्छी पहचान बना के बैठे हैं इस इंडस्ट्री में मेंडो में होता यह है कि कई चीज़ें चेहरे के कलर के हिसाब से बदन के कलर के हिसाब से सिंग के दूम की छोटी बड़ी दूम ये सब बहुत सी इसके अंदर चीज़ें हैं इन मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत जानने की तो उससे भी हमें मालूम पड़ता है कि नस्ल क्या है नस्लों के अंदर भी उनके कई नाम होते हैं यानी अलग अलग कलमुआ आता है अलग अलग कई चीज़ें होते हैं मैं लोगों से सुनता हूँ तो इनशाला आगे हम लोग कोशिश करेंगे मेंढों के रिलेटेड भी आप लोगों तक का वीडियो लाने की और लोगों के और अच्छे जो जानकार लोग हैं उनको आपके सामने फेस कराने की कि आप लोग उनसे कुछ अगर आपको जानना हो तो इनशाला वो आप लोग जान सकते हैं तो बहरहाल आज ये सस्ते मेंढे हैं हमारे तो पूरे सेट लगभग पाँच छः महीने से पलाई पे थे अभी फिल वक्त ये हमने ले लिए और बेचने के लिए निकाले हैं तो चारों मेंढे हैं रीज़नेबल रेट में मैं दे रहा हूँ दे के फ्री कर रहा हूँ लेकिन ये आपको सिर्फ दो से तीन दिन में ही ये रेट होगा आगे हम लोग इसके रेट जो होना है वो करेंगे लेकिन फिल वक्त ये जो ऑफ़र है ये हम लोग दो से तीन दिन में क्योंकि अठारह हज़ार रुपये में आज अगर मैं खुद ख़रीदने जाऊं तो ऐसी क्वालिटी में मेंढा मुझे नहीं मिलेगा हाँ अगर कोई और मैं जहाँ से लेता हूँ और कोई और लोग कई भाई ऐसे है कि वो, वो कमेंट में डालते हैं इससे सस्ता हमसे ले लो तो वो वो बैठे होते हैं राज लंबे लंबे गांव में वहाँ से एक मेढा मंगाने की कीमत अगर कैलकुलेशन करें तो पाँच से छः हज़ार रुपये तो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है तो वो मेहरबानी करके वैसे लोग ना करें हाँ बॉम्बे के बॉम्बे में अगर किसी के पास सस्ते मेंढे हैं तो वो मुझे कॉन्टेक्ट करें मैं ख़ुद ले लूँगा मैं खुद बेचता हूँ तो मुझे भी फायदा होएगा मैं भी आप लोगों से लो दो पैसा मैं भी कमाऊँगा तो अगर किसी के वो बॉम्बे में तो आप लोग बॉम्बे में कांटेक्ट करें लेकिन हाल फ़िलहाल मुझे जहाँ तक के नॉलेज है ये सस्ते में है रीजनेबल रेट में है और कुर्बानी पंद्रह अठारह सोलह अठारह हज़ार रुपये में आपके इन कुर्बानी के मेंडे आपको मिल जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो ये ऑफ़र है अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो लेने में तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया इन कोशिश करेंगे हम लोग मसरूफियत ज़्यादा है वीडियो बन नहीं पा रही है लेकिन कोशिश हमारी रहेगी रेगुलर वीडियो हमारे चैनल के ज़रिए लेकर आने की तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामक अल्लाह हाफिज़